वेलकम टू अनदर एक्सबॉक्स 360 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सबॉक्स 360 के एक और टुकड़े मतलब काइनेक्ट सेंसर पर। आप में से काफी लोग होंगे जिनको नई आइडिया होगा और काफी लोग भूल गए होंगे कि ऐसी भी कोई डिवाइस एग्जिस्ट करती है। अब ये काइनेक्ट सेंसर करता क्या है? काइनेक्ट सेंसर की मदद से आप कंट्रोलर के बगैर गेम्स खेल सकते हो अपनी लेजी बॉडी का इस्तेमाल करके। इस वीडियो में मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगा, सेटअप कैसे करना है उसका फुल ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाला हूं और एंड में इसका गेम प्ले टेस्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। वीडियो में काफी ज्यादा बकचोदी होने वाली है तो यार मजा आएगा, इसलिए स्किप मत करना। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करते हैं फिर आज की इस कमाल की वीडियो को। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये इस टाइम हमारा काइनेक्ट सेंसर जो है हमें पिक कर रहा है और मैं अगर हाथ हिलाऊंगा जिस तरह आप देख सकते हो, जब आप देख सकते हो कि इस टाइम मैं पर्पल हुआ हूँ, मेरे हाथ इस टाइम वो हुए हैं पर्पल, क्योंकि यार इस टाइम मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और अगर आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो मैं अपने हाथ से जो है कोई भी फोल्डर खोल सकता हूँ इस टाइम। जैसे कि अगर मुझे गेम्स वाला खोलना है तो मुझे इसके ऊपर हाथ रखना होगा। अब इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा है, इस तरह माउस की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इस तरह मेरे हाथ की इस टाइम सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा की गई है। अब यहाँ से मैं कोई भी गेम वगैरह चला सकता हूँ अपने हाथ से और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कंट्रोलर हाथ में नहीं है मेरे। तो गैस आपने बस अपना हाथ हिलाते जाना है जैसे आप रात को हिलाते हो। तो गैस यहाँ पे एक और ऑप्शन है काइनेक्ट ट्यूनर की। अब गैस काइनेक्ट ट्यूनर क्या है? अगर तो आपका काइनेक्ट सेंसर आपको सही तरीके से कैप्चर नहीं कर रहा है तो आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रैकिंग की ऑप्शन आ रही है, ऑडियो की ऑप्शन आ रही है और कैलिब्रेशन की ऑप्शन आ रही है। तो आपने ट्रैकिंग की ऑप्शन पे चले जाना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आपका कनेक्ट सेंसर ऐसे ऊपर नीचे होगा ताकि वो मतलब अच्छे से व्यू ले ले और आपको सही तरीके से कैप्चर करे। तो गाइस अब जैसे इसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है तो आपने नेक्स्ट कर देना है और अब ये फिर से आ रहा है प्ले स्पेस और इस तरीके से, तो आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। बॉडी ट्रैकिंग होगी, इधर लिखा है स्टैंड और सिट 6 to 10 feet फ्रॉम द सेंसर, मतलब हमको 6 feet की दूरी बना के रखनी है कम अज कम। फिर नेक्स्ट कर देते हैं, स्टार्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमको सही तरीके से कैप्चर करता है कि नहीं। कर रहा है अच्छे से कैप्चर, जैसे कि आप देख सकते हो, काइनेक्ट कैन सी यू, यू लुक ग्रेट। यस यस काइनेक्ट, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, लुक एट दिस। अब गाइस मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उसको गालियाँ देने में, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपके बाल भी बहुत अच्छे से कैप्चर करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे बालों की लेंथ को ये बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है, पता लग रहा है कि मैंने डाबर का तेल लगाया है सर पे। तेरे देखते हैं बाल आ रहे हैं। अब गाइस गेम हम शुरू करने लगे हैं और इन्होंने कहा रेज हैंड अबव हेड टू स्टार्ट, पता नहीं इसका क्या मतलब है। ओ, मतलब कैदियों की तरह आपने हाथ ऊपर करने हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा बंदा खड़ा है, अब मैंने वही अपने हाथ ऐसे करने और ये इस तरीके से हो गया। अब मुझे इधर से यस करना है, इधर मैं प्लेयर थ्री में चूज कर लेता हूँ। तो गाइस इसमें मेरी दो फेवरेट गेम्स थी, एक तो फुटबॉल थी और एक तो बॉक्सिंग थी। अब मुझे नहीं लगता कि फुटबॉल ही सही तरीके से कैप्चर करेगा, इसलिए मैं इसको बॉक्सिंग पर ही ले चलता हूँ, इस पर मेरे हाथों का ही काम है। ओके गाइस, जेक पॉल और माइक टायसन की लड़ाई आप क्या याद करोगे, जो मेरी लड़ाई होने वाली है, क्या हाइप होगी गाइस। ये होना इसको नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करना चाहिए, जो मेरी लड़ाई होने वाली है छुतिए के साथ। ये इसको मुठके जो पढ़ रहे हैं ना। अच्छा तो इसके अंदर आप ब्लॉक भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखो कि ब्लॉक आप कर रहे हो, फिर इसके एक मूव है, फिर एक मूव है और अब इसको खत्म ही कर रहे हैं। 3 rounds होते हैं इसमें। ये देखो तो उठ गया, ये लगा उठेगा ही नहीं, ये खा मूव है और ब्लॉक कर रहा है। ये खाना यार, Oh
अब तो गया, जीत गया भाई मैं। द नेक्स्ट माइक टाइसन, द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉक्सिंग, गेमर एक्सोसिटी। I'm the heavyweight boxing champion. ये क्या कर रहा है? चलो प्रोफेशनल को हरा देंगे यार, बॉक्सिंग के भी एक बारी चैंपियन बन गए, वॉलीबॉल के भी बन ही जाएंगे। कज़ुया टेकन 8। हाँ हाँ, सामने ही खड़ा हूँ यार। चलो गेम शुरू। ये अबे पॉइंट नहीं मिला, ऐसी की कैसी? ओए बचे यार, फिर मार जा। अबे हमारा दूसरा चूतिया किधर है? शुगर है इधर ही। चल मार, स्मैश मार। ये चीज पॉइंट, पॉइंट हो गया। ये भी पॉइंट नहीं दिया साला, अब ये स्मैश मारेगा। अबे यार ये नंगी पुंगी ने कर दिया पॉइंट, ऐसी की तैसी इसकी। अच्छा बॉल तो उनके पास है, मैं नहीं चुरा के मार रहा हूँ। ये पॉइंट, अबे ले लेना यार पॉइंट। चल जा स्मैश कर, जा बुठल स्मैश मारी है तूने खोती के बच्चे। 2000 years later। अबे यार इतने नीचे, ये तो चीटिंग है यार, ये नीचे कैसे मार देते हैं यार। कुछ टीम जीत ही गई यार, कुछ लोगों ने हरा लिया है। चलो खैर है यार, बॉक्सिंग में तो चैंपियन बने हम। काइनेक्ट पर 130 से भी ज्यादा गेम्स हैं, बट ज्यादातर खटारा ही है। लेकिन मैं आपको कुछ गेम्स बता देता हूँ जो इसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे से रन करती हैं, और उनमें से मैंने आपको एक अभी खेल के भी दिखाई है जिसका नाम था काइनेक्ट स्पोर्ट्स, काइनेक्ट एडवेंचर्स, जस्ट डांस सीरीज, फ्रूट निंजा काइनेक्ट। ये कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनको अच्छा समझा जाता है काइनेक्ट के ऊपर। अब इसके काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यार अगर आप बिल्कुल ही सुस्त हो, आप बिल्कुल नहीं हिलते जुलते, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा गैजेट या डिवाइस हो सकता है। कार्डियो के लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है यार, मतलब अगर आपको वैसे रनिंग करना और जॉगिंग करना नहीं पसंद तो इसकी मदद से यार आप कार्डियो आराम से कर लेते हो, वो भी घर बैठे बैठे। इसकी लाइब्रेरी में काफी सारी ऐसी गेम्स हैं जो यूजर की फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए डिजाइंड है। एक ही गॉन है जो इसका मुझे सबसे ज्यादा बड़ा लगा, और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको ये नहीं खरीदना चाहिए एटलीस्ट इन 2024। 80% जो गेम्स हैं इसकी लाइब्रेरी में वो एकदम खटार हैं, जो आपको अच्छे से कैप्चर भी नहीं करेंगी और अजीब ही खिचड़ी सी पकी होगी। फिटनेस पर अगर आप ध्यान देते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, तो फिर तो मुझे नहीं लगता आपको इसकी जरूरत है। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। बाकी यार इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे भी मुझे जाके फॉलो कर लो, वहां पे भी मैं आजकल काफी ज्यादा मजे का कंटेंट अपलोड कर रहा हूं। बाकी यार मैं मिलता हूं फिर आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। सो गाइस गुड बाय, पीस आउट।